हेलो। हाँ सर, मैं अमेजन का डीए बोल रहा हूँ और इनका प्रोडक्ट मैं ही लेके आया था। और ये प्रोडक्ट मैं देने के बाद इन्होंने अपना वीडियो बनाया, वीडियो में पार्ट मिसिंग है। इनका खाना वो पढ़ ले, वो नहीं करे सुरहानी में नंबरों का मालूम नहीं करे, छो का नाइन का कहाला नौ का दो का नानी के नहीं तो संजय को बस काम उसी हिला ले बार नंबर उतर बीच में रखा पड़ा पसंद सिस्टम में। कितना है करंज बा? ए में कुछ है ये नहीं है। हैं? ये सामान जो चाहे वो नहीं है। ठीक है। कौन सा बुलावे? तो चलो करा से। चलिए। वीडियो बंद करी? हैं? चलिए थोड़े पीछे की हमको कुछ बोलने दीजिए और आगे आगे। दोस्तों अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा, जिसके साथ मतलब वीडियो के साथ अभी क्या क्या प्रोसेस होने वाला है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है, मैं एक जो कि न्यूज़ चैनल चलाता हूँ जिसका नाम है प्रेम वे ब्लॉग, और इस माध्यम से मैं अपना काम करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये अमेजोन से मैं एक जो कि रोड का माइक आप देख सकते हैं, ये रोड का माइक मैं अमेजोन से मंगाया जो कि 31 तारीख को अप्लाई किया। और इस अमेजोन में क्या हमें हुआ वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ये माइक ओनली 2024 रुपये में हम इसको मंगाए हैं, और हमारे साथ एक काफ़ी धोखाधड़ी हुआ है। जैसे कि हम समय रहते हुए अपना वीडियो बना चुके हैं, आप दो मिनट रुकिए, और समय रहते हुए अपना वीडियो बनाया और इसको अनबॉक्सिंग करते समय अपना वीडियो बनाया, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास अब भी ये प्रूफ है। और इनको जैसे कि इनके जाने से पहले मैं अनबॉक्सिंग किया और थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरे पास और कुछ नहीं है, बस एक ये झिल्ली मिला, आप देख सकते हैं ये झिल्ली मिला और ये मेरे को डब्बा मिला, और डब्बे के अंदर एक मेरे को जो कि हैंडल मिला। हैंडल के साथ साथ आपको दिखा रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ एक मेरे को लकड़ी का जो कि मिला और एक फोम मिला। लेकिन प्रॉपर हम आपको बता दें कि इससे जो कि रोड का जो ये हैंडल माइक है इसके अंदर आपको एक रिसीवर मिलता है और आपको एक जिसकि मोबाइल में लगा हुआ होता है। दो जो मेन पार्ट है वो हमारे पास अभी ये मिला नहीं है, और ये हमारे जो कि अमेजोन के डिलीवरी मैन हैं, हम इनके साथ अभी हैं और ये हमारे मामला को समाधान करते। चलिए हमारे ये मामला को तो समाधान कर देंगे और हमें जो कि इसका प्रोसेस बता के यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी जो 31 तारीख से आज कितना तारीख है भैया? आज तारीख हो गया सात तारीख हो गया, तो इतना दिन का जो समय मतलब गया है और हम इस माइक के चलते इंतज़ार किए हैं ताकि मेरा जो कि अमेजोन से रोड का माइक आएगा और हम इससे जाके अपना रिपोर्टिंग करेंगे। तो सबसे अहम बात ये है कि जो कि अमेजोन ऐसा धोखाधड़ी किस कहाँ पे करता है सबसे ज़्यादा, मैं क्योंकि मेरे साथ ये धोखाधड़ी अभी हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो गांव में एक आदमी होता है वो प्रॉपर जो कि अमेजोन का प्रोसेस नहीं समझता है, और इसके कारण खास करके गांव के आदमी उसको री अप्लाई नहीं करता है, और उसके साथ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है वो भी नहीं समझता है। तो हम भी उतना समझदार नहीं है, लेकिन हम इनसे समझेंगे कि हमारे जो मामला अभी ऐसा हुआ है वो कैसे सॉल्व होगा और कब तक होगा, और हम इसके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअली हम टाइम ले चुके हैं। 31 तारीख को अप्लाई किया और आज लगभग हमको कितना दिन हो गया, आज 7 तारीख हो गया। तो हम इनसे जानते हैं कि हमारे साथ ओनली ऐसा धोखाधड़ी क्यों किया है अमेजोन। तो थोड़ा पास आप आइए, हमको आप बताइए कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी ऐसा क्यों हुआ है? ये धोखाधड़ी का मैटर नहीं है, दरअसल सेलर होता है जो सामान को अमेजोन के प्लेटफार्म पे अवेलेबल कराता है। जी जी। और
सेलर के यहाँ चूँकि वो खुद तो काम करता नहीं है, उसके यहाँ भी मैन पावर लगा हुआ है, आदमी लगे हुए हैं। तो पैकिंग करते समय मिसिंग एक होती है कि कोई सामान उसमें मिस कर गया या गलत आइटम पैक हो गया, तो जब वो कस्टमर के पास आता है और कस्टमर के ऑर्डर के रिकॉर्डिंग वो पार्सल अगर नहीं रहता है तो उसके लिए हम कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं और अपनी ट्रैकिंग आईडी को बताते हैं। बताने के बाद बताते हैं सर ऐसी ऐसी बात है, मैंने ये ऑर्डर दिया था, मेरे ऑर्डर में ये चीज़ आ गया है। तो वो तुरंत जो है कॉन्टैक्ट सेलर से करता है, बोलता है भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और जैसे कि आपने फ़ोटो खींचा है या वीडियो बनाया है तो वो उसको वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। वो जिस समय आपका पार्सल पैक होता रहता है उस समय वहाँ पर कैमरा ऑन रहता है, कितने बज के कितने मिनट पर आपका ये पार्सल पैक हुआ है, उस समय की रिकॉर्डिंग को देखता है भाई इसमें क्या गया है, और उस रिकॉर्डिंग से मैच करने के बाद अगर वास्तव में मिसिंग हुआ है तो वो आपको विदाउट पेमेंट के वो आपको नया आइटम फिर से भेजता है। तो अभी हमारे साथ जो ऐसा घटना घटा है, खास करके बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटना घटा होगा, और आखिरकार ज़्यादातर आप देहात में घटना देखते हैं कि देहात में ये सब समझने का लोगों का ज़्यादातर वो क्या बोलते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हो तो वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 2400 रुपया क्या है, लेकिन 2400 नहीं। आपको दोस्तों कैसा खिलवाड़ हुआ है आप देख सकते हैं, मेरे साथ ये है रोड का जो कि हैंडल माइक, और मेरे साथ ये सिर्फ एक डब्बा और एक फोम मिला है जो कि अंदर का जो पार्ट होता है वो आप नहीं है इसमें। आपको वीडियो में देखिए, जैसे कि आपको मैं वीडियो चला रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो देखिए पहले, जैसे कि आप देखें दोस्तों मैं ओपन किया पूरा मतलब ये अपना, और इस वीडियो में खाली मेरे को ये फॉर्म और ये हैंडल मिला। तो हाँ आगे बताइए मेरे को ये मामला कब तक सॉल्व होगा और कैसे होगा। इसके लिए आपको अभी कस्टमर केयर से फ़ोन आएगा, ये जो नंबर आपने दिया है जैसे लग खुली है, हाँ तो ये जो नंबर आपने दिया है अभी इस पर कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आप अपनी समस्या को, ये नंबर जो आपने दिया है 9074, ये सिम लगा हुआ है, इसी में लगा हुआ है ना, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, ये आपको कॉल करेगा जी। और कॉल करेगा तो आप बताएं कि सर ये मेरा ऑर्डर था और ये ऑर्डर में ये मिसिंग हुआ है, ये ट्रैकिंग आईडी है, वो तुरंत देख लेगा। उसके बाद बोलेगा कि मिसिंग हुआ तो आप बोलेंगे सर ये मेरे पास प्रूफ भी है, जैसे यहाँ पे कैमरे का लिखा है ना, इसको दबाएंगे और जो वीडियो आपने बनाया उसको जो है कि इसमें अपलोड कर देंगे जी जी। और अपलोड करने के बाद जो है कि वो सीधे सेलर को जाएगा, सेलर उसको देखेगा, और अगर उस सेलर की गलती होगी तो सेलर जो है कि आपको दोबारा जो है कि वो आइटम फिर से आपको भेजेगा। लेकिन हमको एक बात बताइए, जो आप इतना जो प्रोसेस बता रहे हैं हमको ये प्रोसेस बिल्कुल नहीं आता है करने के लिए, ठीक है, हमको ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ से गाड़ी चालू करके चले जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमको बिल्कुल नहीं आएगा, आप बता रहे हैं जितना जी जी। लेकिन आप मेरे प्रॉब्लम अभी सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आप सॉल्व कीजिए और जितना प्रोसेस आप बताए मेरे को कन्फर्म अभी यहीं पर चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से चले गए होते तो हमको यहाँ प्रोसेस करने को नहीं आता, और हमारे जो 2400 रुपया का जो अभी अमेजोन से जो फ्रॉड हुआ है, मैं फ्रॉड कहूँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और खास करके मैं गांव से हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है क्या, तो आप मेरे को पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके तब आप यहाँ से आप जाइए। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जैसे आपने कहा बार बार अभी आप कह रहे हैं कि मैं गांव का हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप गांव के हैं कि शहर के हैं किस क्षेत्र में रहते हैं, जो घटनाएँ घटती हैं वो गाँव और शहर देख करके नहीं होती हैं, कहीं भी हो सकता है, चीज़ शहर में भी होता है देहात में भी होता है। अभी आपको मैं रोकने का 2 मिनट चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनता जंक्शन एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, और खास करके वो पटना में उसका ऑफिस है, और उसके ऑफिस में मतलब ऐसा ही फ्रॉड हुआ था, लेकिन उनका जो कि 33,000 का रोड का एक मतलब माइक था, ठीक है, वायरलेस माइक था, तो उनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, तो मैं नहीं जानता हूँ कि उनका मामला कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि वो सब ज़्यादा जानकार आदमी है और अच्छे न्यूज़ चैनल वाले, मैं छोटा सा एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, और मेरे साथ जो एक घटना घटी है, मैं गांव से हूँ, और जो आप प्रोसेस बताए मेरे को एक बार दोबारा मैं आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ये प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ, जितना प्रोसेस है आप मेरे को कन्फर्म करिए और उसके बाद आप यहाँ से जाइए। ठीक है सर, तो प्रोसेस तो मैं कर दे रहा हूँ, और आपकी समस्या का समाधान जैसे अभी आपने कहा कि उतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे, जैसे कि अभी ये मान लीजिए कि आइटम जो आया हुआ है मिसिंग आइटम आया हुआ है, तो अब इसका जो हर कंपनी का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, तो ये टाइम तो थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अब फिर जो नेक्स्ट आइटम आएगा तो मिनिमम 1 हफ्ता तो आपका लग ही जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये आइटम चाहिए ही नहीं
आप ये चाहते हैं कि मुझे मेरा आइटम नहीं चाहिए, मुझे मेरा रिफंड चाहिए, तो आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आप वॉलेट में मंगाते हैं तो 2 से 3 घंटे में आ जाएगा, और अगर आप वो भी 2 से 3 घंटे में कब आएगा, जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो आज के डेट में रिटर्न करेंगे, पिकअप शाम को जनरेट होगा, फिर मैं कल आऊँगा, कल आकर के आपसे सामान लूँगा, लेने के बाद जो मेरा पिकअप का पर्ची होता है उसको स्कैन करूँगा, पिकअप डन करूँगा, डन करने के 2 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आएगा, ठीक है। अगर आप अकाउंट में पैसा मंगाते हैं तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी अगर किसी तकनीकी कारणवश हफ्ता भी लग जाता है, ये इसका प्रोसेस है सर। तो प्रोसेस मेरे को जैसे कि मैं रोड का जो माइक है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। और जैसे कि जो समय मेरा व्यतीत हुआ है और मैं 7 दिन इसका वेट किया हूँ, मतलब मेरे को समय का मतलब महत्व ज्यादा है जी, जी। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं माइक लूँगा तो यही लूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को वो प्रोसेस कीजिए, क्योंकि जब आप गलती किए हैं तब भी हम आपको यहाँ रोकने के प्रयास कर रहे हैं, मैं अमेजोन को नहीं जानता हूँ, ठीक है। मेरी कोई गलती नहीं है, एज ए मैं डीए हूँ, डिलीवरी एसोसिएट, ठीक है। कंपनी अमेजन है, कंपनी में मेरा काम यही है कि जो भी पार्सल आता है उस पार्सल को कस्टमर के घर पे या कस्टमर के पास पहुंचाने का मेरा काम है, ठीक है। और इसमें पैकेट के अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर पैकेट फटा होता या खुला होता तो वो सारी लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है, क्योंकि जब हम पार्सल लेते हैं वहाँ स्कैन करते हैं तो हम पार्सल को अच्छी तरह से देख करके ले आते हैं कि भाई पार्सल फटा ना हो, इसका आइटम डैमेज ना हो, कस्टमर के पास जो भी चीज़ें जाएँ बढ़िया से जाएँ, अच्छे तरीके से जाएँ। तो अगर रास्ते में डैमेज होता है तो वो लाइबिलिटी मेरे ऊपर आती है, वो उसका डैमेज का पैसा जो होता है वो हम लोग की सैलरी से कट जाता है, तो हम लोग पार्सल को सुरक्षित कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अब उसके पहले, पैकिंग के पहले क्या हुआ है इसकी लाइबिलिटी कंपनी की होती है। और अगर आप इस पे जैसे कि 2-3 इसमें रीजन तरीका है मैं बता दे रहा हूँ। एक तो अगर आपको ये आइटम रिप्लेस चाहिए, दोबारा आपको रिप्लेस करके आपको आइटम मिलेगा, या आपको रिफंड चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। और अगर आप कोई लीगली कार्रवाई करना चाहते हैं तो इसके साथ अटैच बिल है, बिल आपके पास होगा, अभी अंदर में है सब, हाँ, मैं देखा, हाँ, ठीक है। अगर बाय द वे इसमें अगर बिल नहीं भी होगा तो आपके मोबाइल पे बिल इनवॉइस आता है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद वीडियो आपके पास प्रूफ है, आप इसको उपभोक्ता फोरम में इसको कंप्लेन भी कर सकते हैं, और इनसे हर्जा खर्चा के साथ आप इनसे रिकवरी भी कर सकते हैं। अब इसमें सर ये है कि अब आप कौन सा तरीका चुनना चाहते हैं, अब आप इसको डिसाइड कीजिए, उस हिसाब से हम आपको तरीका। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए कि हमको अभी जैसे कि कौन सा जो कि तरीका ज़्यादा बेहतर रहेगा आप? अब मेरे हिसाब से तो बेहतर यही रहेगा कि आपका ये दूसरा आइटम, आपका माइक का जो दूसरा पीस आए जो सही सलामत काम करता हो, आप भी संतुष्ट रहें, और मेरे हिसाब से पहली प्राथमिकता यह है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि अगर आपको माइक की आवश्यकता नहीं होगी उस स्थिति में आप उसका पैसा वापस ले सकते हैं जी। तो मेरे ख्याल से आपको माइक की आवश्यकता है जी, तो मेरे को है माइक की आवश्यकता। तो आपको अब 1 वीक और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जैसे कि सारी प्रक्रिया होगी उसके बाद जो है कि आप का तुरंत वहाँ से दूसरा आइटम पैक होगा, तुरंत पैक होगा, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में ये 1 हफ्ता कंपनी का टाइमिंग लगता है। हो सकता है कि वो 7 दिन का समय ली हो, 6 दिन में पहुंचा दे, 5 दिन में पहुंचा दे, लेकिन वो आपसे 1 हफ्ते का लीगली टाइम लेगी कि हमको 1 वीक टाइम चाहिए। टाइम चाहिए जी। तो हमारा अब देखते हैं कि हम अपना यही प्रक्रिया रखते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेरा सपोर्ट किया आप। मेरा नाम समरेंद्र कुमार पांडे है जी, और मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बनकटा थाना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस भी है, और वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, और आपके क्षेत्र में जैसे ये सिसवा है, यहाँ मेरी रिश्तेदारी है, हम आप ही लोगों के बीच के हैं, कहीं बाहर के नहीं, 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 ये मामला बाहर और बीच के और रिश्तेदारी का हम नहीं समझते हैं, जैसे कि ये सर बात मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए एक कस्टमर है और आप मेरे डिलीवरी मैन है, ठीक है। आप कहीं हो, आप कुछ भी हो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे से उससे मतलब है, ठीक है। मेरे को जो आप दिए हैं सामान तो मैं इसीलिए आपको पकड़ा, ठीक है। जो आप मेरे को अभी समस्या बता रहे हैं, आप यहाँ से चले जाते तो आपको जो समस्या मैं इतना अच्छा से नहीं समझता, और ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों का ये समस्या का हल भी निकालने का जो कि उन लोगों का तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के मार्फत ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं
तो आप शॉपिंग के समय विशेष करके आप उस सारे टर्म्स कंडीशन को पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद ही आर्डर बुक कीजिए। क्योंकि अभी कल ही मैं एक डिलीवरी दिया था मोबाइल का, उसमें चार्जर का उसने एक लिखा था कि विथ चार्जर और एक लिखा था विदाउट चार्जर। तो विदाउट चार्जर में उसमें 500 रुपये कम का MRP था, मतलब उसमें 500 रुपये डिस्काउंट था। अगले ने देखा कि भाई ये आइटम ये तो 500 रुपये सस्ता पड़ रहा है, उसने जो कि विदाउट चार्जर बुक कर दिया। अब मोबाइल आ गया उसके पास, मोबाइल आया, उसने पैकेट खोला, सब कुछ खोला, उसमें देख रहा है भाई उसमें चार्जर है नहीं, डाटा केबल था लेकिन चार्जर नहीं था। अब वो कह रहा है सर इसमें चार्जर तो है ही नहीं है। तो हम तुरंत उसी समय कस्टमर केयर से बात उसी करवाए, तो उसने चेक किया तो उन्होंने उसने कहा कि इन्होंने विदाउट चार्जर का ऑप्शन चुना था, इसके वजह से इनको चार्जर नहीं मिला। नहीं तो मेरे तो मेरे को तो जो मैं ऑप्शन चुना था मेरे को तो ये हैंडल और फोन नहीं चुना था। ठीक है, आपको मैं पर्सनली आपके वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप कभी भी कोई भी ऑर्डर लें ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सारे टर्म्स कंडीशन को क्लियर पढ़ा कीजिए, पढ़ने के बाद आप ऑर्डर बुक कीजिए। आपके पास कोई भी आइटम आता है जैसे सर ने वीडियो बनाया वैसे ही आप वीडियो बनाइए, तब पैकेट को खोलिए। हाँ, पैकेट रिसीव करने के पहले पैकेट को पूरा घुमा कर देख लीजिए कि पैकेट सील पैक है, कहीं से कटा पटा फटा ना हो, और जब पैकेट सही है तो उसको खोलिए। खोलने के बाद आपका आइटम अगर सही है तो ऑल द बेस्ट, सही नहीं है तो तुरंत आप जिस भी साइट से आपने बुकिंग किया है उस साइट पर जा कर के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना ट्रैकिंग आई डी बताइए, और बताने के बाद आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होगा। एक चीज़ मैं और भी आगा आप लोग करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी बुकिंग ना किया करें, क्योंकि इस पर अधिकतर 90 या 99% फ्रॉड होता है। उनका कोई अपना वो नहीं होता है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पब्लिसिटी करके और उस पर लॉलीपॉप देते हैं, बहुत मतलब लालच का वो देते हैं कि भाई ये चीज़ है मार्केट में 500 रुपये की है, हम आपको 50 रुपये में दे रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जो चीज़ मार्केट में 500 रुपये की है वो 50 रुपये में कैसे मिल सकती है। लेकिन लोग जो है कि ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं, खासकर इस पर ध्यान देते हैं कि 50 रुपये की चीज़ अवेलेबल हो रही है इसी से बुक कर लो, और होता क्या है सर कि आपका 50 रुपया वो चला जाता है, पैकेट आएगा पैकेट में वो आपकी चीज़ वो चीज़ नहीं रहती है, कुछ और ही रहता है। तो इस तरह की तमाम फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन जो है कि आप विश्वसनीय कंपनियों से सामान लीजिए। और उस पर जैसे अभी ये अमेजन से पार्सल आया हुआ है, ठीक है, मिसिंग हुआ है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कस्टमर ने बताया और सेलर की मिसिंग है, तो वो सेलर इसका जो है कि रिस्पांसिबिलिटी सेलर की बनती है और सेलर इसका जो है कि वो भरेगा, सेलर दूसरा पीस भेजेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी हम ये जो कि सामान को जैसे प्रोसेस आप सब तरीका का प्रोसेस बताए, लेकिन हम इसको रिटर्न कर रहे हैं और हम दोबारा देखेंगे, फिर अमेजोन से दोबारा मंगाएंगे, और हमको विश्वास है कि अमेजोन जो कि अपना कंपनी में ऐसा ऐसा मतलब घटिया काम कर रहा है और अपने वर्करों को ऐसा घटिया काम मतलब करने का जो प्रयास कर रहा है उसको समाधान करें और अपने वर्करों पर काफ़ी ध्यान दें ताकि ऐसा मिसिंग ना हो और जो हमारा समय वो बचत हो। और हम अमेजोन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारा जो कि ये वीडियो के माध्यम से हमारा समाधान करें और जल्दी करें और हम इनको दोबारा भी मतलब दोबारा और मैं कहना चाहूँगा आपके वीडियो के माध्यम से सभी जनता को, देखिए कोई भी जैसे फ्लिपकार्ट हुआ चाहे अमेजन हुआ चाहे स्नैपडील हुआ, ये कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, यह एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो सबको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हम कस्टमर हैं, आप सेलर हैं, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग किए हैं या कोई सामान बेच रहे हैं तो उस प्लेटफार्म पर जा करके आप अपना बताते हैं साहब मैं ये सामान बेच रहा हूँ, इस रेट का बेच रहा हूँ, ये क्वालिटी है और मुझे उस सामान की जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कस्टमर जो है कि उस प्लेटफार्म के माध्यम से बुक करता है। तो अमेजन कोई भी सामान बनाती नहीं है, पहली चीज़ क्लियर मैं करना चाहता हूँ, अमेजन कोई सामान बेचती नहीं है, अमेजन एक ई कॉमर्स की कंपनी है जो इंटरनेशनल ब्रांड है और ये एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है जिसपे सेलर और कस्टमर दोनों का कॉन्टेक्ट होता है और उस प्लेटफार्म के माध्यम से खरीद बिक्री जो भी होता है ये सब काम होता है। अभी हम इसको मतलब दोबारा मतलब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना देर में हम मतलब आप देखिए जैसे कि अभी आप इसको अगर रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आज करेंगे तो आज शाम तक पिकअप जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल पर, जो ही रिटर्न करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और शाम तक हमारे यहाँ इसकी सूचना मिल जाएगी कि ये कस्टमर ने सामान रिटर्न कर दिया है। और उसके नेक्स्ट डे अगले दिन हम उसका वो स्लिप निकलता है, स्लिप लेकर के हम आएंगे आपके दरवाजे पे, हम उसको जो है कि आपका पार्सल
रिसीव करेंगे, उस स्लिप को जो है स्कैन करेंगे, आपका आइटम दिखाएगा, आपके सामने रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि पिकअप आपका डन हो गया, यानी कि पार्सल आपका जा रहा है। और अगर उसको आपने अमेजन ऐप में वॉलेट में पैसा मंगाया होगा तो 2 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, मैक्सिमम 2 घंटे में। और अगर आप अकाउंट में पैसा मंगाए होंगे तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटा भी लग जाता है, और कभी कभी किसी टेक्निकल इशू के कारण 1 हफ्ता भी लग जाता है। तो अभी चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ ऐसा, जैसे कि मैं माइक मंगाया था, आपको एक बार दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक माइक मंगाया था जो कि रोड एक बहुत ब्रांडेड माइक होता है, इसमें आप 34,000 से लेकर 50,000 तक के माइक खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये डब्बा है मेरे पास, मैं 24 यानी 2400 का ये माइक मंगाया था, और मेरे साथ अमेजोन का जो कि वर्कर है वो धोखाधड़ी किया है। मैं धोखाधड़ी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ जो कि समय रहते हुए मैं इसको वेट किया, और मेरे जो समय का दुरुपयोग हुआ मतलब वो अमेजोन ने किया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि धोखाधड़ी किए हैं। खास करके अभी ये मेरे साथ भैया मिल चुके हैं, नहीं तो ये चले गए होते तो हमको इतना प्रोसेस नहीं पता होता। और आपको बता दूं कि मैं पहली बार जो कि अमेजोन पर विश्वास किया और ये माइक अमेजोन से मंगाया। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है मंगाने के लिए ऐसा ऐसा माइक, लेकिन मैं अमेजोन पर विश्वास किया, पहले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं, अगर आप भी माइक मंगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अच्छा तरीक़े से माइक मंगाइए और अच्छा अच्छा कंपनियों से मंगाइए। देखते हैं हमारे जो कि अभी ये मामला कब तक सॉल्व होता है, और जैसे सॉल्व होगा वैसा आपको फिर दोबारा वीडियो देने का प्रयास करूँगा। तो साथ हमारे बने रहिए, और आप अमेजोन को अगर माइक मंगाते हैं तो पूरा रेल रेगुलेशन देख कर मंगाइए। धन्यवाद देखते हुए, और मैं भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर के माध्यम से लोग इस वीडियो को देखेंगे, और इस वीडियो के मार्फत लोगों को जानकारी हुई कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।